मैं दीपक सूथा, मैंने इस फिल्म में विरोधी दल के नेता का रोल किया है, भूपेंद्र सरकार। मेरा नाम गौरी शंकर है, मैंने गाजी खान का कैरेक्टर किया है जो मेन एंटागनिस्ट है, बहुत सारी जो रोहिंग्यास के हेड का, जो रोहिंग्यास की जितनी भी कारस्तानियाँ होती हैं वो सारी मेरे द्वारा होती है फिल्म में, बाहर नहीं, सो प्लीज नोट इट। और मैं राज मिश्रा, इस पिक्चर का ईपी है, सीडी प्रोड्यूसर। सर, फिल्म को लेकर थोड़ी सी विवादित मूवी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उस दिन से ही आपका जो डायरेक्टर है, बंगाल के ऊपर फिल्म बनी है, पूरा देश जानता है बंगाल पे क्या कुछ चल रहा है, तो उसी दिन से आपका डायरेक्टर जो है लापता है। तो ये कहानी पहले एक पर्सनल थी, अब बहुत बड़ी कहानी बन गई है, क्यों गायब है, किसने किया है या छुपके है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, आपका क्या वक्त है? देखिए, कुछ 3-4 दिन पहले मैंने अभी बहुत फ़ोन ट्राई किया उनको, तो कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद मुझे फ़ोन उनका लगा नहीं। फिर मैं क्यूरियोसिटी में मैंने कुछ अपने सर्कल के लोगों को फ़ोन किया, अपने रविंदर गुरु जी हैं उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला हमें भी नहीं पता है। तो वी ऑल इन क्यूरियोसिटी कि क्या, व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई है समाज के ऊपर और एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। अब डायरेक्टर ऐसे ही, मतलब फिल्म मेकर्स डर के रहेंगे या छुप के रहेंगे या गायब हो जाएंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन द फिल्म, हाउ गोइंग टू एक्ट इन द फिल्म, हाउ विल मेक द फिल्म, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और आज जो कुछ बंगाल में हो रहा है इसका तो दुनिया देख रही है, तो उस फिल्म में, हमारी फिल्म में कुछ दिखाने की कोशिश की उन्होंने सच्चाई। अब आज डायरेक्टर हमारे सनोज मिश्रा जी का पता नहीं है, हम सब बहुत दुखी हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दें, क्या किससे सवाल करें, किससे पूछें, उनकी फैमिली परेशान है, हम सब परेशान हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, एक्टर हैं, बहुत सब के सब डिस्टर्ब है, हर आदमी एक दूसरे को फ़ोन करके पता करने की कोशिश कर रहा है। हमने एक्टिंग की है, हम एक कलाकार हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? तो ये तो बहुत ही दुखद है। अब इस पर आप लोग तो पत्रकार हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, कैसे इस पर अपील की जा सकती है, कैसे उनको ढूंढा जा सकता है, वो कहाँ है? डायरेक्टर सुमन मिश्रा की पत्नी लखनऊ में FIR करने गए थे, FIR दर्ज भी नहीं हो रहा है, काफ़ी परेशान है उनकी वाइफ, आप कुछ कहेंगे इस पर? एक पत्नी तो परेशान होगी ही, उनके साथ तो उनका पति गायब है, हमारे लिए तो एक फिल्म मेकर, हमारे तो फिल्म में हमने काम किया, उनका तो पति है, उनका सब कुछ है और वो गायब हैं। अगर FIR नहीं हो रही है, क्या कारण है, क्यों पुलिस नहीं कर रही है, करना चाहिए, अथॉरिटी जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हो, चाहे बंगाल सरकार की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इस पर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए जहाँ कहीं भी हो। बॉलीवुड के भी काफी लोग सपोर्ट में आए सनोज मिश्रा जी के, कंगना रनौत जी ने आज बोला है कि मैं भरसक प्रयास करूंगी कि जल्दी सनोज मिश्रा जी को ढूंढ लिया जाए। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, कंगना जी का, अगर उन्होंने इस बात को उठाया है तो, और हम सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग मिलके इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी फिल्म आ रही है, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया हमने, कोई क्राइम नहीं किया हुआ है, तो फिल्म होती है, फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देखना चाहिए। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? ये कंट्रोवर्सी तभी से स्टार्ट हुई थी जब ट्रेजर इसका लॉन्च हुआ था, तो उसी ट्रेजर पर इनके खिलाफ FIR हुआ था, और तब एक दफ़ा ये वहाँ जा भी चुके हैं, यानी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनकी वाइफ वहाँ गई थी कोर्ट में, तो इनको ज़मानत भी मिली थी, और अब तो फिल्म को सर्टिफिकेशन भी हो गया है, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पाया गया है कि ये कोई अनलॉफुल हो। अगर अनलॉफुल होती तो जो भी उसमें अनलॉफुल होता वो निकाल दिया जाता फिल्म से, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सर्टिफिकेशन हो गया है, और इट मींस दिस फिल्म इज़ लीगली प्रेजेंटेबल, और इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपने कहा बेल मिली थी उनको, कौन सा सेक्शन लगा था? अब सेक्शन उसमें कहीं थे मुझे ध्यान नहीं है, वो FIR की भी जो कॉपी थी वो इनके मोबाइल पर आई थी, ये थे और प्रोड्यूसर के ख़िलाफ़ और एक और अन्य व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी हुई थी, उन्होंने शायद अपने पोर्टल पर इसको दिखाया था, तो
वो एफ आई आर एक वहाँ के इंडिविजुअल द्वारा की गई थी। अच्छा। उस इंडिविजुअल का नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कलकत्ता। और उस इंडिविजुअल ने ये कहा था कि इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया है, इसमें बंगाल के और वेस्ट बंगाल के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये सरकार की तरफ से नहीं था। अब वो सरकार का कोई व्यक्ति हो या जो भी हो, उसका नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस वक्त। वो मेरे पास फ़ोन खो गया है, मेरे पास भी वो उसकी कॉपी आई थी। क्योंकि सारे लीगल चीज़ें देखते वही लोग थे, हम लोग एक्टर्स इन्वॉल्व हाँ। तो उसमें थे नहीं, हमें तो अभी मालूम पड़ा कि ये सब हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फिलहाल इसमें कोई रोल दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कोई रोल उनका बनता हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काम तो कर दिया है कि सर्टिफिकेशन इसका हो गया है, परंतु अगर एक इंडिविजुअल की आज़ादी इस तरीके से उस आदमी को वो भागता फिर रहा है, वो आज़ाद नहीं महसूस कर रहा है, और एक्सप्रेशन जो उसने किया है, एक्सप्रेशन की फ्रीडम उसको नहीं है, वो भागा भागा फिर रहा है, तो इसका संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए उनको रेस्क्यू करने के लिए, और उनको हम सब लोगों के बीच में, हमारे आपके बीच में वो हों और वो भी अपनी बात यहाँ पर रख सकें, ऐसा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, अच्छे अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसी दिन से गायब है। इससे पहले बहुत सारी फिल्में हैं जो ऐसी बनी है कंट्रोवर्सी, जिसमें विवाद हुआ है, चाहे सिंह इज किंग हो या ये अपना ड्रग्स के ऊपर बनी थी, बहुत सारी फिल्में हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा नहीं हुआ कि डायरेक्टर गायब हो जाए, डायरेक्टर को कहीं से छुपा दिया है या डायरेक्टर नहीं आ रहा है, डर किस चीज का लगता आपको, क्या कहना चाहोगे? डर इसमें ऐसा भी था कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से भी ऐसा थ्रेट्स, कुछ उनको कॉल्स आ रहे थे, और ऐसा हमें मीडिया के थ्रू ही मालूम हुआ है। आप ही लोगों में से किसी ने और प्रेस वालों ने ये अखबारों में लिखा था कि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। ये कभी उन्होंने हम लोगों पर जाहिर नहीं किया, न मुझसे कभी कोई ऐसी बात हुई, न गौरी भाई से कोई ऐसी बात हुई, न इनसे राज से कोई बात हुई। तो हमको भी अखबारों के माध्यम से ही ऐसा लगा कि उनको थ्रेट परसेप्शन था। एक तरफ आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है, नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आपके जो प्रोड्यूसर हैं जी, तो क्या आज ही सबने टाइम रखा था आज के लिए कुछ खास? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ये बांद्रा में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है नकवी साहब का। अच्छा, वसीम रिजवी साहब, रिजवी साहब भैया सॉरी, पता नहीं हम लोगों को जितना उन्होंने हमें बुलाया गया, तो हम तो डायरेक्टर हैं, हमारे कंसर्न उन्हीं से ज्यादा रहा है। राज भाई क्या जानकारी देंगे कैसे? मैं तो इतना ही जानता हूँ, जब ये पिक्चर का ट्रेजर लॉन्च हुआ था तो हमारे सामने दो दिन के बाद मैं डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सबको ममता बनर्जी के कुछ लोग ने नोटिस भेजा कि आप ये पिक्चर बना रहे हो, उसको डिलीट कर दिए, फुटेज डिलीट कर दिए, तो वो नहीं हटे रहे, उनको पुलिस से भी कॉल आया कि आपके आपको वारंट निकला है, नोटिस निकला है। तब उनके कुछ दिन बाद, चार दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई, तो वो मेरे साथ बाइक पे हैं, हम खुद वो और मैं मीरा रोड गए हॉस्पिटल में, दो दिन वो एडमिट रहे, फिर वो डिस्चार्ज करके लेके आए, फिर हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट किया, फिर इनको धमकी आने लगी। मैं सच सच बता रहा हूँ, मेरे सामने कहते उनको धमकी आने लगी कि ये शूटिंग बंद कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, हमारे प्रोड्यूसर को भी आने लगी धमकियाँ कोलकाता से, फिर वो डटे रहे पीछे बनाते। एक टाइम ऐसा वक्त आ गया था कि मैं शूटिंग छोड़ के भाग आ गया था मुंबई, तो बोले राज तुम टेंशन, बोले तुम वापस आओ, बोला मेरे से तो नहीं हो पाया, तो मैं शूटिंग वापस गया, तो उनको वापस मेरे सामने धमकी आने लगी वगैरह वगैरह कि ये पिक्चर बंद कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो अभी तीन दिन के बाद बोले कि राज मुझे कुछ छः दिन पहले कि राज मुझे नोटिस आया है, तो मुझे जा रहा हूँ कलकत्ता, आप चल रहे? बोला सर मैं तो नहीं जा पाऊँगा, मैं तो बाहर आया हूँ। तो वो चले गए अपना कलकत्ता, फिर उनका मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ, वो बोले कि उनको मोबाइल वहाँ के कुछ पुलिस वाले ने नोटिस बुलाया था, तो चले गए। तो उनको कॉल किया, मेरे लोग फोन किए, उनकी वाइफ फोन करी, इनका मोबाइल स्विच ऑफ, फिर वो वहाँ से गायब हो गए। फिल्म में ऐसा क्या है, क्यों आप लोगों ने शूटिंग की है, आप लोग थे उस दौरान, ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि उस सीन को लेकर बवाल हुआ है? कुछ ना कुछ तो है आपके जहन में भी, आप बताएंगे या नहीं बताएंगे? ये देखो, ये मैं
मैं एज ए पी हूँ, मैं एज ए पी हूँ, मुझे स्टोरी के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं होता है। वो डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखा है, डायरेक्टर ही राइटर थे, तो उनको कॉल आता था कि ये पिक्चर बंद कर दिया जाए। लेकिन बंद, मेरा सवाल अलग, आप ट्रैक पे अलग जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ फिल्म में आपके सामने शूट हुई है, आपको ही मालूम है सर, कैमरे के सामने आप ना बताए, क्या ऐसा सीन है जो आपको लगता है उसके कारण ही धमकी मिली है? देखो सिंपल फिल्म होती तो नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है फिल्म। वो कलकत्ता के क्या सीन है वो बताइए मुझे, कलकत्ता के सत्य घटना पे पिक्चर बना रहे। क्या सत्य घटना क्या थी जो वहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी आप तो आप लोग खुद न्यूज देख रहे हो कि अभी फिल्म हमने नहीं देखी ना, फिल्म नहीं देखी, अभी तो न्यूज तो देख रहे हो ना, न्यूज पे दिखा रहे कि वहाँ पे एक लड़की का रेप हो गया। अच्छा बताइए सर, आप अगर बताएंगे तो मैं अच्छे से बताएंगे क्या सीन है उसमें। सीन तो कुछ नहीं, जो है सत्य घटना पे, मैं तो मेरा काम तो शूटिंग करके दे, बाकी वो राइटर सब जाने, डायरेक्टर सब जाने। गौरी जी, फिल्म तो आपने शूट किया है, क्या उस टाइम पे आपको लगा कुछ डर लगा कि कुछ ऐसा घटना हो सकता है? देखिए मैं तो एक्टर हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी फिल्म की, ऐसी फिल्में की है, तो मैं तो कहानी को देखा था, थोड़ा आरएनडी किया था, तो बहुत सारी चीजें मुझे सच दिखाई दी, तो मैंने एक्ट किया उसमें। और जहाँ तक इनका क्वेश्चन है पवन जी का, वो ये कहानी एक ऐसी है जो सबको पता है, पोर्टल्स पे भी है, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो रोहिंग्या हमारे हिंदुस्तान में तो आए ही है, आप हिंदुस्तान के हर कोने में रोहिंग्या मिलेंगे आपको। करेक्ट। तो यहाँ से कश्मीर जाके बस गए, मामूली बात थोड़े, तो ये क्वेश्चन तो आपको उसी को उठाया उन्होंने, अब उसको क्या करना चाहते हैं लोग, क्यों उसको रोकना चाहते हैं, हमें क्या पता। लेकिन सर वो 2% था, रोहिंग्या की बात करें 2% है, लेकिन तो 100% हो गया अभी तो, इधर से बांग्लादेश का मैटर हो गया है, इधर से वो रेप केस हो गया है बंगाल में, ये तो मामला और ज्यादा 100% होगा। आपके अगर उसकी बात करते हैं तो उससे कनेक्टेड तो अपनी फिल्म से कोई लेना देना है नहीं बांग्लादेश में। लेकिन हो सकता है ये कह रहे हो कि इस मामले के बाद और वहाँ पे माहौल खराब हो जाए। नहीं तो हमारी फिल्म स्टार थोड़े बांग्लादेश में है, कलकत्ता की बात कर रहे, कलकत्ता में भी आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हो जाए बांग्लादेश में हुआ है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे डायरेक्टर का यार, वो जो हुआ है तो वो भी तो रियलिटी है, जो डॉक्टर के साथ रियलिटी है, लेकिन कहीं असर तो पड़ता है ना सर। तो फिर उसका आप इस चीज को देखिए, आप लोग देखना पड़ेगा कि रियलिटी वही दिखाने की कोशिश की है। 6 दिन से डायरेक्टर गायब हो गए हमारे, पूरी यूनिट के लोग परेशान है, अगर डायरेक्टर खुद नहीं मिलेंगे तो हम खुद 100-200 की जो यूनिट है खुद कलकत्ता जा रहे हैं, जाना तो पड़ेगा ना, कहाँ ढूंढेंगे आप लोग, मिसिंग हो जाएंगे तो हो जाएंगे, एक तो गायब हो गया तो उनके साथ हम भी गायब हो जाएंगे। तो आपका ये क्लियरली कहना है कि ममता गवर्नमेंट ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि आपके पास लेटर्स तो आई है ना, वो नोटिस तो आए हैं, तो फिर आपको लगता है कि उन्हीं की गवर्नमेंट या उन्हीं के उन्हीं से कनेक्टेड लोगों ने ये उनको मिस किया? मुझे तो लगता है भाई, अभी वो अचानक कलकत्ता जाने के बाद जिसका मोबाइल स्विच ऑफ अचानक गायब, 6 दिन हो गया, किसी को दुख होगा, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 6-6 दिन, आज 6वां दिन है, दुख तो होगा सिर से, पूरी यूनिट हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हेड थे सबके, तो गायब हो गया अचानक से, दुख तो होगा, मेरे लोग बोलते रात चले चलते कलकत्ता, अरे बात चले तो हम लोग कलकत्ता निकलेंगे और वहीं ढूंढा जाएगा। इसके अलावा इसमें लीगली एक पॉइंट ये है कि ममता सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, एक इंडिविजुअल ने ये रिपोर्ट लिखी थी वहाँ पे, गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कुछ, गवर्नमेंट का इसमें हाथ कैसे बोल सकता है कोई, जब तक हमारे पास ममता से नहीं, वो स्टेट के जो सीएम है उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना। सॉलिडिटी तो उनकी कितनी अच्छी है, देख ही रहे हो आप लोग। लेकिन सर दोनों जब शूटिंग भी कर रहे थे तभी भी उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट की थी, शूटिंग के बीच में रोकी गई थी, तो क्या उस चीज को लेके ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया? ये सीरियसली तो लिया था, तभी तो कोर्ट में केस चल रहा था, वो तो बेचारे 2-3 बार शायद कोर्ट में केस चल रहा था ना, चल रहा था, एक साल से मुझे लगता है कोर्ट में केस चल रहा है। सर हम दोनों तरफ की बात लेते हैं, पक्ष विपक्ष, हो सकता है सुनो फिल्म को हिट करवाने के लिए गए हो, कोर्ट 6 दिन से कोई नहीं कर सकता, देखो इम्पॉसिबल है ये चीज, अभी आप नहीं हो सकता है, उनका मुझे नहीं लगता है, दोनों तरफ से बोले हम, आपका पक्ष भी सुना हमने, हो सकता अपनी फिल्म, अगर ऐसी भी बात है तो अथॉरिटी को निकालना चाहिए, ढूंढना चाहिए, सच ही कह लिया ना भाई, सच क्या है, अथॉरिटीज तो होगी ना भाई, जो भी गवर्नमेंट। ममता का किरदार कौन निभा रही है इसमें आप बताइए जरा? ममता का किरदार एक लेडीज है, क्या नाम है उनका? नाम नहीं बोल सकते अभी, ये बोल दिया अभी, वापस क्यों उसको पंगे में डालना चाहिए, फिर वही बात, छोटा सा कैरेक्टर भी चाहिए, पता ही चल जाएगा ना, जब स्टोरी को लेकर आपका डायरेक्टर गायब हो सकता है तो आर्टिस्ट का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? तो आर्टिस्ट गायब हो गई तो नहीं, शायद उनका कोई डायलॉग नहीं, डायरेक्टर गायब हो गया, अली उनका पोस्टर में, जब आपको इतना डर है तो आप लगता है जाए क्यों नहीं जाएंगे कलकत्ता जाके, कम नहीं करना पड़ेगा, ये रिस्क ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं पब्लिसिटी स्टंट हो और डायरेक्टर को आपने हटा दिया, बता दिया गायब, 6 दिन से डायरेक्टर कहाँ जाएगा?
29 तारीख को घूमता आवाज है बोला लखनऊ नहीं लखनऊ में जाके कंबाइन किए गए उनकी वाइफ उनके बच्चे सब रो रहे। आजकल कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, नहीं आप आजकल अभी आप न्यूज वाले आप तो वैसे बोल रहे रोज देखते हैं चीजें। सर हमने सुना है क्या थे डायरेक्टर गाड़ी के अंदर नीचे बैठे डायरेक्टर नीचे होता तो ऊपर आने में क्या दिक्कत है। छह दिन से नहीं आप रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं जब इनका फर्स्ट लोकेशन ट्रैक किया गया तो उनका कलकत्ता आया जब वो वहाँ से फ्लाइट का टिकट तो झूठ बोलेगा नहीं। मीडिया सवाल इसलिए पूछे थे पूनम पांडे गायब हुई थी हमें पता नहीं गायब है ऐसा है कितने लोग गायब हुए हैं पूनम पांडे में और हमारे डायरेक्टर में जमुना सिंह का फर्क है सर। यहाँ बॉलीवुड के काम में आदमी की बात हो रही है ये पब्लिसिटी स्टंट होता है सर ठीक है होता लेकिन ये नहीं है ये फिल्म जो है दरगाही जो बेस लगा क्या पीआर को पता है जरा बताएंगे कौन कौन और क्या क्लियर का कितना सपोर्ट है सर। कलाकार तो बहुत है हमारे वसीम सर प्रोड्यूसर सर ये सर वो सर और एक दो हीरोइन है अर्जुन मेहता है मारवा येजुर मारवा है जो मेन लीड कर रहा है कलाकार कलाकार में अर्जुन मेहता है गौरी शंकर है याजुर मारवा है दीपक कंबोज है आशीष है ये दीपक जी हैं और वसीम रिजवी खुद एक करेक्टर कर रहे हैं अल्फिया शेख है जिनके नाम मुझे याद है मैंने उनको बता दिया फौजदार हाँ देव फौजदार हैं तो देयर लॉट ऑफ गुड एक्टर्स इन दिस। आपको डर लगा काम करके सर? नहीं मुझे तो कोई डर नहीं लगता किसी वहाँ पे कोई धमकी मिली हो या बोला आप निकल जाओ मुंबई वापिस नहीं हमको तो एक्टर को कौन धमकी देगा जब इनके साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर को कौन धमकी तो प्रोड्यूसर कहाँ जाते हैं प्रोड्यूसर हमारा सिक्योरिटी रखता है। नहीं अभी आपको जो कंगना कंगना का सपोर्ट मिल रहा है आपको उससे आपको क्या वो मतलब क्या आशा है? बहुत बड़ी बात है क्योंकि कंगना एक महिला है आशा और उम्मीद पे दुनिया कायम है हमारे हम भी उसी पे कायम है। अभी अगर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है इससे हमको ढूंढने में इस बात को सच्चाई को लाने में आसानी होगी और क्या बोल सकते हैं हम तो कुछ बड़े कलाकार नहीं है जो बहुत सारी बातें बोल सके हम इतना ही बोल सकते हैं। आई कैन रिक्वेस्ट टू द पीपल प्रार्थना कर सकते हैं लोगों से कहां से हुआ है लखनऊ से ये भी मुझे मुझे पूरी डिटेल नहीं पता है जो मैंने सुना वही बता रहे ये बता सकते कलकत्ता गए थे मुझे बोले कि रात मुझे नोटिस आया मैं जा रहा हूँ कलकत्ता पुलिस से कौन सी फ्लाइट से गए थे कुछ पता वो नहीं पता वो टिकट भेजे थे लेकिन मैं आपको कल चेतो दे दूंगा। क्या नोटिस था की हाँ उनको बुलाया गया था उनका एक साल से केस चालू है वो तारीख पे जा रहे थे इस बार भी इनका कोई तारीख था तो उसके लिए वो बुलाए गए तो गए थे कलकत्ता। एंट्री एंट्री फ्लाइट में हुई है उससे पूरा मालूम पड़ जाएगा हर चीज वो तो कंप्लेन किया इनकी वाइफ ने पूरा कंप्लेन किया तो वहाँ पे लोकेशन ट्रेक किया गया फर्स्ट लोकेशन उनका कलकत्ता निकला और उनकी वाइफ वो खुद जा रही है अभी कल से अच्छा कलकत्ता पहुंच जाएगी। ओके लास्टली सर क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट जो सीएम है ममता जी उनके उनके लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या? देखिए हम किसी गवर्नमेंट नहीं पूरी गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट जितनी दुनिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है सबसे रिक्वेस्ट है अगर कुछ भी हो रहा हो और कुछ कर सकते हैं उसको फाइंड आउट कीजिए और लेट हिम कम बैक सेफली सेफली एक्चुअली सिनेमा बनाना कोई जुर्म नहीं है कोई क्राइम नहीं है कोई ऐसा 302 का मुकदमा नहीं है जो आप उसको आदमी गायब हो जाएगा तो व्हाटएवर इज दैट शुड कम इन द लाइट और कुछ नहीं।